हेलो ट्रेडर्स प्लस इन्वेस्टर्स। तो चलो बात करते हैं बैंक निफ्टी में कहाँ है हम लोगों ने ट्रेड लिया, पीछे की साइकोलॉजी, ट्रेड क्यों लिया, कहाँ पे लिया, वो इम्पोर्टेंट होती है। तो शेयर करने से हम लोगों को भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है कि ट्रेड हम लोगों ने क्यों लिया था, वो थोड़ा सा मतलब स्किल इम्प्रूव होता है ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं हम लोगों ने कहाँ पे ट्रेड लिया। सबसे पहला ट्रेड एंजल वन की बात करेंगे सबसे पहले, कि मॉर्निंग में जो फर्स्ट 15 मिनट था, 9:15 से लेकर 9:30 जो एंजल वन ऐप है वो क्रैश कर गया। 9:20 पहला 5 मिनट का कैंडल हम लोगों ने देखा, फिर सेकेंड 5 मिनट का कैंडल हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। तो वहाँ में फर्स्ट आवर में हम लोगों ने जो सी पंच किया था उस सी को एग्जिट नहीं कर पाए हम लोग, गैप डाउन ओपन हुआ था। तो यहाँ में मार्केट का ट्रेंड भी अप है, तो वहाँ में कुछ ऐसी एनालिसिस थी जो फर्स्ट ट्रेड था वहाँ में। ठीक है, तो ट्रेड तो हम लोगों ने पंच कर दिया, लेकिन मोबाइल ऐप से क्या हुआ, मोबाइल ऐप क्रैश कर गया। तो फिर मैंने पीसी ऑन किया, ऑन करके पीसी में लॉग इन किया, तो पीसी से हम लोगों ने उस पोजीशन को जो सी था मॉर्निंग में उसको स्क्वायर ऑफ किया। ठीक है, 12% आसपास का हम लोगों का SL हो गया था जितना भी हम लोगों ने कैपिटल यूज़ किया था। तो कभी कभी ऐप भी क्रैश करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास पीसी लैपटॉप कुछ होना चाहिए जिससे आप लॉग इन कर सको और अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सको, जितने भी ब्रोकर हैं सबके जो एप्लीकेशन होते हैं एंड्रॉयड ऐप्स या फिर iOS का, वो क्रैश करते हैं कभी ना कभी। तो यहाँ में हम लोग पूरा मतलब सावधान रहना चाहिए, कभी भी ब्रोकर का ऐप धोखा दे सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी लोग नहीं जानते थे। साइड में मैं लगा दूंगा स्क्रीनशॉट। तो पहला ट्रेड का सिचुएशन मैंने बता दिया आप लोगों को। फिर वहाँ में ऊपर गया, पहले तो 155 के आसपास गया। ठीक है, फिर मैं अभी आप लोगों को मेन जो हमारा जैकपॉट ट्रेड है उसके पीछे की लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, तो इन वन वर्ड अगर हम लोग बताएं इस ट्रेड के पीछे की लॉजिक, तो ये मैं कहूँगा कि एक्सपीरियंस। ठीक है, ये नॉर्मल रिटेल ट्रेडर मतलब जो भी नॉर्मल बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं ये इस ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते। हम लोगों ने 44,000 का जो पी था इसको बाइंग की 96 में, एग्जिट किया 200 पे। ठीक है, तो 200 होल्ड करने के पीछे की साइकोलॉजी कहाँ से आती है पता है, एक्सपीरियंस से आती है। कहाँ में ट्रेड हो रहा है मार्केट बैंक निफ्टी, अभी कहाँ तक जा सकता है। तो SL हम लोगों का फिक्स है, ऐसा नहीं है कि SL बिना SL लिए ट्रेड लिया। तो इस ट्रेड को लेने के पीछे की साइकोलॉजी मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई से नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगा था कि वहाँ से ट्रेंड का जो रिकवरी आनी चाहिए, तो फर्स्ट ट्रेड में वो हम लोग को दिखाने कुछ टाइम वहाँ में कंसोलिडेट करके इसने फिर से थोड़ा सा 50-60-70 पॉइंट ऊपर गया। ठीक है, ऊपर गया, लेकिन ये जो ट्रेड हो रहा था ना, जो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस था पहले 155, 44,155, कितने लोगों को याद होगा पता नहीं, तो 155 के नीचे अभी ट्रेड कर रहा था। मतलब अभी के लिए जो 155 है वो रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि उसके नीचे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। तो 155 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, रेंज बना रहे हैं, तो वहाँ से हम लोगों को कॉन्फिडेंट आया कि आज बैंक निफ्टी नीचे जा सकते हैं। तो वहाँ से जैसे ही ये 44,100 के नीचे आया, तो हम लोग वहाँ वहीं से हम लोग बैठ गए थे। ठीक है, पी साइड में हम लोग 44,000 का पी है टाइमिंग, उसी साइड में हम लोग बैठ गए थे। तो साइकोलॉजी भी पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया, सिचुएशन क्या था। ऑल टाइम हाई में जब भी ऐसा सिचुएशन बनता है जो सेलर का जो कैंडल है, इसमें हम लोगों को पूरा मतलब एक्टिव होके देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ में जो SL होता है SL भी बहुत फास्ट होता है। और लास्ट टाइम अगर हम लोग बात करें इस सेटअप में, मैंने ट्रेड लिया आपका पता है करीब 2-3 बार SL लिया। ये जो अप ट्रेंड हम लोग को दिख रहा है बैंक निफ्टी का, इस ट्रेंड में हर एक राउंड फिगर लेवल में मैंने इस सेटअप को ट्रेड किया था। ठीक है, तो वहाँ में करीब हम लोग का 2-3 बार SL हुआ था। तो SL हो गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो टारगेट देता है तो बड़ा बड़ा टारगेट देता है। तो हम लोग ने बात कर ली हमारी जैकपॉट ट्रेड के बारे में, तो अभी हम लोग सीधा बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, बैंक निफ्टी क्या व्यू हम लोग को दिखा रहा है इंडेक्स। तो अभी के लिए ये करेक्शन ज़रूर हुआ है, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है बैंक निफ्टी में, मैं आप लोगों को बताता हूँ। 2021 से अगर हम लोग 2023 में चल रहे हैं, ठीक है, तो जो भी इंडेक्स है इंडियन स्टॉक मार्केट, अगर आप लोग देखोगे GDP इंडिया का कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है। ठीक है, वर्ल्ड मार्केट को छोड़ दो, ग्लोबल मार्केट को छोड़ दो, जब तक कुछ रिसेशन कुछ बड़ा कुछ न्यूज़ नहीं आता, बम वम मार दिया ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आता, तब तक इंडियन मार्केट को इतना ज़्यादा वीक नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया की GDP ग्रो हो रही है अगर हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत ही फास्टेस्ट ग्रो कर रही है अगर वर्ल्ड इकोनॉमी के कंपेयर में देखेंगे। तो बाहर के जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो आ सकते हैं, उनको ये फ्री इन्विटेशन है इंडिया की जो GDP ग्रोथ है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, 2021 में भी निफ्टी 18,500-18,400 में ट्रेड हो रहा था जो हाई था, अभी 2 साल बाद भी रनिंग चल रहा है, अभी भी हम लोग उसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिया एक कंट्री की GDP ग्रो करी है, जो कंपनीज है वो भी ग्रो करी है, और जो स्टॉक मार्केट है वो ग्रो ना करे।
तो अभी बैंक निफ्टी इंडेक्स और निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स भी जिस हिसाब से ये ऊपर आया है, ठीक है, अभी मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म ऊपर जाने वाला है। 43,000 राउंड लेवल उतना ही हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ज़्यादा बड़ा करेक्शन बैंक निफ्टी में मैं एक्सपेक्ट अभी नहीं कर रहा हूँ, हालांकि कैंडल बड़ा है, लेकिन मेरी एनालिसिस पीछे की मैंने आप लोगों को बता दी कि अभी मुझे ट्रेंड जो है इंडियन पूरे इंडेक्स जितने भी है, निफ्टी फिफ्टी, सेंसेक्स हो गया, उसके बाद हमारा बैंक निफ्टी हो गया, उनको मैं ऊपर ही लॉन्ग टर्म में देख रहा हूँ, ठीक है। तो करेक्शन मुझे कुछ बड़ा नहीं दिख रहा है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बता दी, मेरा जो व्यू था, पता नहीं आप लोगों का क्या व्यू होगा। तो ये सारी एनालिसिस वाली वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ट्रेड करते रहिए, हम लोगों ने जो कमबैक किया अभी, हम लोग आज का जितना भी हम लोगों ने पीएनएल लिया है उसका 50% कल हम लोग लेके ट्रेड लेने वाले हैं। 50% टच करता है तो हम लोग एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं हम लोग कल एक्सपायरी को, ठीक है।